भारतीय जनता पार्टी के संगठन सभी समय तैयारी में रहते हैं। ये संगठन जिस दिन हम इलेक्शन जीतते हैं उसके नेक्स्ट डे से हम दोबारा संगठन का काम शुरू कर देते हैं। बाकी सब जो पार्टी है जैसे ही निर्वाचन आएगा, इलेक्शन आएगा, मंडप की जैसा जैसे बारिश आता है ऐसा ही मंडप के जैसा आपको दिखाई देगा। जैसे ही इलेक्शन खत्म तो आपको उनके घर में जाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी संगठन का काम सभी समय करते रहते हैं और उसी हिसाब से हम पन्ना प्रमुख सम्मेलन आज जो गुहाना में बड़े मात्रा में बड़े संख्या में हमारे पन्ना प्रमुख मित्रों लोग आए हैं, मैं सबको बधाई देता हूँ। इनके अंदर इतना जोश है, इतना विश्वास है और ये संगठन का काम हमारे सभी समय चलता रहता है और उसका ही एक परिणाम आज आपके सामने है। और गोहाना के कार्यकर्ता में जो जोश, जिलाध्यक्ष तीर्थ राणा जी, हमारे सांसद हमारे रमेश कौशिक जी सारे दिन काम में और जनता के बीच में रहता है, वही प्रमाणित करता है आज के कर्नाल संपर्क। प्रभारी जी, आपने भारतीय जनता पार्टी का महिलाओं का बहुत सम्मान है मणिपुर में, अब तक देखिए मणिपुर में ऐसा नहीं, मणिपुर में 176 में हम ही लोग डिबेट करने के लिए नोटिस मैंने भी दिया हुआ है, किंतु वो लोग जो अपोजिशन है उसमें तैयारी नहीं है। तो इसलिए मैंने आज आपको मंच में भी कहा, हम लोग भी संसद में मोदी जाओ बोलते वो लोग भी वही बोलते हैं, तो वो हमारे पार्टी में आ जाओ उधर बैठ के क्या करे, तो उनको समझ भी नहीं आता क्या करना है और संसद कैसे चलाना है और सरकार कैसे चलता है और कैसे काम करना है, इनको आता नहीं। इसीलिए लोगों को भ्रमित करने के लिए समय समय पर कभी रास्ते में कभी संसद में वही व्यवहार करता है जो एक बच्चे करता है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, जो भी ऐसा कुछ हमारे हरियाणा में षड्यंत्र किया हुआ है सरकार के पास इसका दस्तावेज है और सही व्यक्ति को सही सजा मिलेगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो नेक्स्ट डे ही उनका बयान आप लोगों ने भी देखा, मैंने भी देखा, मुझसे भी बात हुई है और जिन्होंने भी षड्यंत्र करके इसे रचा है इन किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।